हेलो फ्रेंड्स, मावी भांजी किचन में आपका स्वागत है। आज बनाने जा रही हूँ मैं जीरा आलू। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है और बनाने में बहुत ही इजी है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। आलू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिए हैं 5 बॉयल आलू। इनको ठंडा होने दिया है और अब मैं इसके पीसेस कर लूँगी। तो मैं तो बस इस तरह से लंबे लंबे पीस काट लूँगी। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छे लगे उस तरह से आप काट सकते हैं। तो देखिए, मैंने सारे आलूओं को काट लिया है और यहाँ गैस पर मैंने एक पैन रख दिया है। इसमें मैंने डाला है सरसों का तेल। तो बस थोड़ा सा तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैंने डाला है जीरा। साथ ही मैंने थोड़ी सी इसमें हींग डाल दी है और 2 से 3 हरी मिर्च। इसको थोड़ा सा पकाऊंगी। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी हल्दी। और अब मैंने जो आलू को काट के रखा था वो इसमें ऐड कर देती हूँ और इनको अच्छे से सेंक लेती हूँ। तो देखिए, 2 से 3 मिनट ही हुए हैं और हमारे आलू बहुत ही अच्छे से सिक चुके हैं। तो बस इस समय मैं इसमें डालूँगी कुछ मसाले। तो मैंने यहाँ पे लिया है ये साबुत धनिया और जीरा। इनको मैंने थोड़ा सा तवा पे रोस्ट कर लिया था और कुचल करके मैंने लिया है, तो इसमें ऐड कर दिया है। और ये कसूरी मेथी, इसको भी मैंने थोड़ा सा रोस्ट किया है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी चिली फ्लेक्स, चटपटा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये मैंने डाला है अमचूर पाउडर, ये थोड़ा सा मैंने गर्म मसाला डाल दिया है। और अब इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है और आप अपने घर में ट्राई करेंगे तो बहुत ही आपको पसंद आएगी। और ये अब मैंने डाल दिया है स्वाद के अनुसार नमक। और अब मैं डाल दूंगी हरा धनिया। तो ये हमारे जीरा आलू बनके बिल्कुल तैयार हैं, बहुत जल्दी बनते हैं। तो बस आप बताइए आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अब मैं एक प्लेट में इनको बाहर निकाल लेती हूँ। तो ये हमारे जीरा राइस बनके तैयार हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे एक और वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।